देश में 18 दिसंबर से 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र में प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाने वाला है और उन्हें भी प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने नामांकन दाखिल कर दिया है। 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में विधायकों के शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में नव निर्वाचित सदस्यों ने मेरे साथ शपथ ग्रहण कर ली है। व्यवस्था अच्छी तरह से चलाई जा सके इसके लिए सभी सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व की तय करेगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से किया जाना है और मध्य प्रदेश में कौन कौन मंत्री बनेगा। उन्होंने विपक्ष से सकारात्मक रवैये के साथ विधानसभा की कार्रवाई में सहयोग प्रदान करने की आशा जताई है। बता दें कि 20 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया जाना है, जिसके लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तोमर निर्विरोध चुने जाने वाले हैं और उन्हें विपक्ष का भी साथ मिला है। प्रोटेम स्पीकर उन्हें बुधवार को शपथ दिलाएंगे। जय महाकाल। आज 16वीं विधानसभा का सत्र का पहला दिन है और हम सब नव निर्वाचित विधायकों ने मेरे सहित सबने शपथ का क्रम जारी रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने पहले दिन में ही एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। पक्ष विपक्ष ने मिलकर के हमारे नवीन विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन का फॉर्म जमा किया है और मैं दल के नेता के होने के नाते से विपक्ष के इस सकारात्मक सहयोग का स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपना सकारात्मक रचनात्मक उनकी भूमिका वो निभाए और हम अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विकास के क्रम में और नित नई नवीन ऊंचाइयों तक मध्य प्रदेश को ले जाए।